आज हम देखेंगे कि दीदी रहर के बीजों को कैसे खेत में लगाती हैं। देखिए, रहर को लगाने के दो तरीके हैं। पहला कि जब आपका खेत तैयार हो तो मेड़ के ऊपर एक एक मीटर की दूरी पे फौड़े से गड्ढे कर दो दो बीज लगाए जाए। दो बीज लगाने का मकसद ये है कि अगर पहला बीज ना भी निकले तो दूसरे बीज से पौधा निकल आएगा। रहर के बीजों को खेतों में लगाने से पहले खाद प्रबंधन जरूर करना चाहिए। दीदी, ये गोइठा रखे हैं, लेकिन ये गोइठा साधारण गोइठा नहीं है, ये तो घनजीवामृत गोइठा है। अभी बस इतना समझ लो कि ये घरेलू सामग्री से मिलाकर बनाया जाता है। चलो, दादा को बुलाते हैं गड्ढा बनाने के लिए। चलो, पहले बीज लगाने के लिए एक एक मीटर की दूरी पर एक एक फौड़ा गड्ढा बनाते हैं। ये गड्ढे में क्यों दीदी? इसलिए दीदी, बरसात के समय में उस गड्ढे में पानी जमा रहे और उस पौधे को अधिक दिन तक नमी मिलती रहे। हर गड्ढे में एक गोइठा चूर चूर करके डालेंगे। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा मिला हुआ गोबर की खाद हर गड्ढे में 200 ग्राम डालें। अब हम इसमें बीज लगा देते हैं। दीदी, हर गड्ढे में दो दो बीज ही डालनी है ना? हाँ दीदी, दो बीज ही रोपना है। दीदी, दो मेड़ के बीच में खाली जगह है, वो क्या खाली रहेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल खाली नहीं रखना है। इसमें आप मकई, बादाम या उड़द लगा सकते हैं। चूंकि रहर की दो लाइनों के बीच में 2 मीटर की दूरी रखी गई है और शुरू के 3 महीनों में रहर के पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसीलिए बीच में एक और फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है और साथ ही इससे खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं। अंतः फसल के चयन से लेकर उसकी खेती तक हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अरहर के दो मेड़ों के बीच अंतः फसल इस तरह से लगाएं कि अंतः फसल के लाइन और रहर के लाइन के बीच में कम से कम 10 से 12 इंच की दूरी हो। इन फसलों को रहर की बुआई या रोपण के साथ ही लगा देना चाहिए। किसी भी अंतः फसल को लाइन से ही लगाना चाहिए। मकई और मूंगफली की 3 लाइन और बोदी, उड़द, कुल्थी आदि की 4 लाइन रहर के दो मेड़ों के बीच में लगाई जानी चाहिए। अंतः फसल को लगाने से पहले उनके बीजों का बीजामृत से उपचार करना बहुत जरूरी है। अंतः फसल में भी जैविक खाद जैसे कि गोबर खाद, केचुआ खाद, नाडेप, घन जीवामृत और जीवामृत आदि का ही प्रयोग करें। रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक दवाओं का ही प्रयोग करें, जैसे कि रोग नियंत्रण के लिए खट्टा मट्ठा घोल या गोबर हींग दवा और कीट नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या अग्नियास्त्र। अंतः फसल की जरूरत के हिसाब से 1 से 2 बार उसकी निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर के कपोलों की तुड़ाई कैसे करते हैं। अरहर की रोपाई के साथ कुछ अंतः फसलों की रोपाई से खेत में नमी सुरक्षित रहती है, खरपतवार नियंत्रित होता है और साथ ही अतिरिक्त आमदनी भी होती है।